हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर वीडियो ऑन ये फैक्ट के ऊपर है। ठीक है, इसमें हम लोग किसी को टांगे नहीं खींचेंगे, किसी को भला बुरा छोटा बात नहीं करेंगे। ये जो वीडियो होगा ये चंद्रयान 3 के ऊपर होगा। लेकिन चंद्रयान 3 के ऊपर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आप देखिएगा कि मतलब दुनिया में किस किस प्रकार का लोग रह रहे हैं, इससे एकदम क्लियर पता चल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहता हूँ, या एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि जो जब ये चंद्रयान का लॉन्च हो गया सक्सेसफुल, मतलब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो गया चंद्रमा की धरती पे, तो उसके बाद इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो जिन्होंने साउथ पोल पे लैंड किया है। ठीक है, इससे पहले मेरे पास एक पिक्चर है, मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बहुत सारा कंट्री ने उसको ट्राई किया था। आपको पता होगा रिसेंटली रशिया का जो स्पेस क्राफ्ट है वो अनलकीली फेल हो गया। उसके पहले जापान, इसराइल, इवन इंडिया ने 2022 में ट्राई किया था, उस टाइम पे फेल हो गया, लेकिन 2023 में उन्होंने सक्सेसफुली लैंड कर दिया है। इसके और एक फैक्ट जो है विद रिलेटेड टू चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 में इंडिया फोर्थ पोजीशन पे, मतलब पहले यूएसएसआर था, उन्होंने चांद पे लैंड किया था, उसके बाद ये यूएसए उनका है, उसके बाद चाइना 2030 में, सॉरी उसके बाद ये जो इंडिया 2023 में हमने सक्सेसफुली चंद्रमा की धरती पे जो साउथ पोल है वहां पे हमने लैंड कर लिया। अब आ जाते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रेडिट चोरी। देखिए, इंडिया में ये क्रेडिट चोरी एकदम एक पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के अंदर आ चुका है अभी, और ये पॉलिटिकल कल्चर के पार्ट भी बन चुका है। इंडिया में कोई भी चीज होता है कि कांग्रेस लोग बोलता है, कांग्रेस या आप बोल लीजिए जितना भी आम आदमी पार्टी है या एसपी टीएमसी, सब ये लोग बोलता है कि ये नेहरू का सक्सेस है, या आप बोलिए नेहरू के वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ा। हर ये बीजेपी वाले बोलता है कि नहीं, ये मोदी जी ने किया। ठीक है, तो ये दोनों में चलता है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बट क्रेडिट चोरी तो ये जो चंद्रयान 3 में भी हुआ है, ये क्रेडिट चोरी फर्स्ट हुआ है। इंस्टेंस में यहाँ पे जो रिलेवेंट फोटोज है या वीडियोज है मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। आपको पता होगा मोदी जी साउथ अफ्रीका में है, क्योंकि वहां पे प्रेस समिट चल रहा है। लेकिन मोदी जी जब ये जो चंद्रयान 3 का एकदम सक्सेसफुली लैंड हो रहा था, तो उस टाइम पे मोदी जी जो इसरो का जो YouTube चैनल है ना, YouTube चैनल में वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे मोदी जी आ गया था। उसमें उन्होंने अकॉर्डिंग टू कांग्रेस वो बोल रहा है कि मोदी जी ये क्रेडिट चोरी कर दिया है। तो ठीक है, अब कांग्रेस का नाम पीछे रहने वाला था, तो कांग्रेस ने क्या किया, जो उनका जो चीफ मिनिस्टर है, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो दोनों मिलकर वो क्रेडिट चोरी के लिए चला गया इसरो के ऑफिस में। और ऑफिस में जाके वो इसरो का जितना भी डायरेक्टर्स है, मतलब जिनको एसोसिएटेड है इनकी जो पूरा प्रोजेक्ट के साथ, उनको बहुत बधाई दिया, उनके साथ भी खड़ा हुआ, पिक्चर विक्चर वो खींचा, और खींच के वो क्या किया, वो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, मतलब जितना भी सोशल मीडिया पर वो डाल दिया। उसके बाद ये उसके बाद वो झगड़ा स्टार्ट हो गया है, मतलब बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, ये भी मोदी का क्रेडिट चोरी कर रहा है, अब ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ये तो नेहरू का क्रेडिट था, तुमने चोरी किया था, इसलिए हम लोग ने किया है। ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये जो मोदी और नेहरू है। ठीक है, तो ये तो करंट लेवल पे मतलब क्रेडिट चोरी का चल रहा था। अब हम लोग थोड़ा आ जाते हैं पीछे, पीछे में हम लोग भी वही सेम चीज, मोदी एंड नेहरू। बहुत लोग ये बोलता है कि नहीं, नेहरू ने 1962 में इसरो का स्थापना किया था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया था, उसके बाद जो भी कांग्रेस का जितना भी आप बोलिए चीफ सॉरी प्राइम मिनिस्टर बना है, तो उन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, इंक्लूडिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या क्या किया, उसके ऊपर एकदम पूरा डिटेल्स वीडियो पोस्ट कर दिया सुप्रिया सिंह ने। मैं वो वीडियो मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। उसके बाद ये बीजेपी वाले भी बोल रहा है कि यार ये तो गलत हो गया, फिर वो स्टार्ट हो गया कि अटल जी ने चंद्रयान, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। यूपीए 2 में चंद्रयान मिशन के लिए, मतलब चंद्रयान 2 ये मिशन के लिए वो पैसा नहीं दिया था, डिले करवा दिया था, वो इसका भी जितना इमेजेस है सब मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, वो डिले करवा दिया था, और बहुत सारा जो स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट हो गया है। उसके बाद ये बोलता है कि मोदी जी ने आके वो चंद्रयान 2 को सक्सेस मतलब ग्रीन सिग्नल दिया, हो सकता है वो फेल हो गया, और चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है मोदी जी की वजह से, इसरो की साइंटिस्ट की वजह से, ये चल रहा है अभी। इसके बाद आ जाते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स, ठीक है, जिन लोगों का जो यूट्यूब चैनल था ना, ये चैनल सोशल सोसाइटी के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर वो लोग बात करता था, वो लोग अचानक जिस दिन चंद्रयान सक्सेसफुल लॉन्च हो गया, मतलब जिस दिन चंद्रयान 3 जो हमारे चंद्रयान की जो धरती है वहां पे सक्सेसफुल लैंड हुआ, तो उस दिन उन्होंने 3 या 4 मिनट के अंदर में वीडियो मतलब डालना स्टार्ट कर दिया। वो लोग आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि चंद्रयान में क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या नहीं था, कैसे काम हुआ, कैसे नहीं काम हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ तो ये लोग तो पूरा साल तो नहीं, ऑलमोस्ट 2016 या 17 से ये लोग यही कर रहा है, ठीक है, कि मोदी को गाली दो सोसाइटी में जितना खराब चीज है वो एक बार डिफरेंशिएट कर रहा है कि इंडिया चंद्रयान में चला गया तो क्या हुआ, मणिपुर में कुछ किसी ने कुछ किया है, मोदी जी ने मणिपुर में कुछ किया है, उसके बाद इंडिया में इतना गरीबी है, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, मोदी जी ने कुछ किया, ये सब लोग पूरा 7-8 साल से ये सब चीज बोल रहा था।
अचानक से चंद्रयान 3 का लॉन्च, मतलब चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होने के बाद ये लोग अभी बोल रहे हैं कि चंद्रयान का कैसे एरोडायनामिक्स कैसे काम किया है, क्या मतलब क्या क्या चैलेंजेस था, कैसे चंद्रयान मतलब 2019 में हमारा भी फेलियर था वहां से इन लोगों ने एक बहुत अच्छा लर्निंग दिया है, उससे हमने सीख लिया है, फेलियर से इन लोगों ने सीखा, ये सब बोलना स्टार्ट कर देता कर दिया। और चंद्रयान का जो वीडियो उन लोगों ने बनाया ना, उस वीडियो ने उस वीडियो को देख के मुझे ये फीलिंग्स आ रहा है। तो चंद्रयान तो मौसम का और ऊपर में अंतरिक्ष का जितना प्लैनेट्स है सबका वो पता लगाता है कि कहाँ क्या है। देखिए आप इंडिया यूट्यूबर्स, उसके बाद जितने पॉलिटिशियंस मोदी जी नेहरू जी सब क्रेडिट चोरी के बाद हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया का अलग लेवल में लोगों का प्रॉब्लम रहता है, जब भी इंडिया ऐसा कुछ मान लीजिए अचीव करता है तो वो लोग बोलना स्टार्ट कर देता है कि टॉयलेट नहीं है, ठीक है लोगों के पास खाने के लिए मतलब खाना नहीं है, मतलब मैलन्यूट्रिशन से प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, हर किसी के घर पे पानी नहीं है, हर बहुत ज्यादा घर के ऊपर छत नहीं है, ये तो बोलना स्टार्ट करता है। उसमें माइंड में फर्स्ट बीबीसी। So, you know, I'm going to have to ask you, because some people will be thinking about this. India, a country that lacks a lot of infrastructure, a country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? Well, this is something which has always been debated over here in the last 30, 40, 50 years. But there is another fact which then news laundry. आप सोच रहे थे news laundry ये सब के बारे में discuss कर रहा है। News laundry मतलब Indian version of BBC. वो काम तो फिर भी बहुत समझ में आता है, लेकिन ये चांद पे पहुंचने की ये होड़ है, भारत जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नजर से अगर हम देखें, नजरिए से देखें, तो एक बहुत इवॉल्व बहुत डेवलप कंट्री का वहाँ पर जाना, उसमें उस होड़ में दौड़ लगाना तो समझ में आता है अमेरिका और ये कि किसी की नाक के लिए। भारत के लिहाज से चांद पर पहुँच जाने के बाद उसके कोई बहुत ज़्यादा कोई आयाम है, उससे कोई बहुत ज़्यादा हमें ऐसा कुछ अचीव हो जाएगा जिससे कि हम कह सके कि नहीं हमारा चंद्रयान एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, नहीं तीसरी बार हमें लेकिन हासिल करना ही करना है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो आ जाते कि कुछ कुछ पॉलिटिशियंस है ना, वो लोग मतलब आप ऐसा कुछ वो लोग आउटपुट दिया है चंद्रयान 3 के बारे में, आप लोग मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता। एक पॉलिटिशियन था वो बोल रहा है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, तो इसके वजह से हम लोग नासा को शुक्रिया कहना चाहिए। अब हम लोग सोच रहे हैं यार इसरो इंडिया का है, साइंटिस्ट था इंडिया का, ये नासा बीच में कैसा है, यूएसए से थोड़ी हमें कुछ मिलता है, और इसके जो रिजल्ट वीडियो में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि एक मिनिस्टर है, ये एमएलए है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है फ्रॉम राजस्थान, ये कांग्रेस का है, ये बोल रहा है कि इंडिया से लोग गया है मून पे और मून पे जाके वो लोग लैंड करेगा, ठीक है, इसके लिए हमें वो इंडिया का जितना भी साइंटिस्ट है उन्हें बधाई देना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को मिनिस्टर बनाता कौन है, ये आपको सोचना चाहिए। आपको पता था कुछ दिन पहले ये करण शर्मा का एक इशू आया था, और करण शर्मा ने यही चीज बोला था कि जितना भी अनएजुकेटेड पीपल है ना उसको नहीं करना, मतलब पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं, और हमारा देश एक कदम और साइंस में स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसके सभी देश। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि कांग्रेस ने तो ऐसा बोला है कि ठीक है जो इंडिया ने मतलब कुछ लोग इंडिया से जो चंद्रयान का रॉकेट था उसमें बैठ के मून में गया है। अब आ जाता है कि बीजेपी का एक आई थिंक इसका नाम है ओपी कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नाम उनका याद नहीं आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है चंद्रयान से जो लोग इंडिया से गया है जो मून पे, मून से वो लोग आएगा इंडिया में, और उसके बाद हमें इन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए। अब सोच सकते हैं कि ये लोग मतलब कैसे किस किस ने इन लोगों को सिलेक्ट किया है भाई, और मतलब ये लोग बोल कैसे सकते हैं, थोड़ा बहुत तो रिसर्च कर लिया करो। और इससे जो वीडियो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्रिटेन पे, ये ब्रिटेन से दो न्यूज है, फर्स्ट जो न्यूज है उन्होंने एक कुछ पकड़ा था, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि चंद्रयान ये जो मिशन था ये पूरा फेक था, ठीक है, ये मतलब ग्राफिक्स के द्वारा ये एडिट किया गया है, और पूरा वो एडिटेड पार्ट पूरे इंडियन को दिखाया गया है, ये उन्होंने बोला था, इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे अटैच करूंगा। उसके बाद ब्रिटेन से और एक न्यूज है, ब्रिटेन में आपको पता है इंडिया कभी भी कुछ अचीव करता है,
तो उन्होंने बोलना स्टार्ट कर देता है कि हम लोगों को आप इंडिया को पैसा नहीं देना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए फॉर देयर स्पेस प्रोग्राम। अब प्रॉब्लम ये है इसमें, ये जो जब स्टेटमेंट आया ना उसके बाद बहुत सारे इंडियन ये गुस्सा हो गया, ये बोल रहा है कि तुम लोगों ने हम लोगों से 45 ट्रिलियन चुराया है, ठीक है। अब वो 45 ट्रिलियन से तुम्हें मतलब ये जो काटना है ना 2.6 बिलियन ये इतना ही इसरो को दिया है, तो ये काट के बाकी पैसा जल्दी दे दो इंडिया को। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्रिटेन के बाद यूएसए पे। यूएसए आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक फेमस मतलब कार्टून है जो लोग एक्चुअली ये डिवाइडेड इनटू टुवर्ड्स इंडिया, तो वहां पे एक चीज दिखाया गया था कि नॉक नॉक मतलब जब वो मून मिशन चला था ना उस टाइम उन्होंने बोला था, और देखिएगा यहाँ पे मैं अटैच करूंगा एलिट क्लब मार्स मिशन, ठीक है, ऐसा बोल के उन लोगों का एक कार्टून मतलब एक पेज है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बोला ये इंडिया को अपमानित करने के लिए वो उस टाइम पे कार्टून को छपाया गया था, तो इसके ऊपर अब इंडिया के जितना भी सोशल मीडिया में लोग हैं अब इसको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा रिस्पॉन्स देखिए, देखिए मैं पहले बोलता हूँ कि इंडिया में आप ये जो नॉक नॉक है ना ये करना बंद कर दिया, इधर घर को में कोई दरवाजा है तो उसका लॉक मार के तोड़ दो, अदरवाइज वो घर में ही मत जाना जाओ। ये दो ही ऑप्शन हमारे पास है और हमने क्या चूज किया है, लॉक मार के दरवाजा तोड़ के घुस जाएंगे। और इंडिया का इसके बाद जितना भी मिशन दिखेगा रिलेटेड टू चंद्रयान होगा उसमें सब में ऑलमोस्ट 90-95% सक्सेस आएगा ही आएगा, एक दो बार वो चंद्रयान 2 की तरह होगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ जितना भी मिशन होगा वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। और एक चीज याद रखिएगा चंद्रयान मिशन ये सब जितना भी मिशन है नॉर्मली चंद्रयान मिशन आपका जितना भी स्पेस मिशन है ना वो सक्सेसफुल जितना होता जाएगा, ये हमारा जैसे अग्नि पृथ्वी ये सब जितना बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है ना इसका जो डेवलपमेंट देखिएगा धीरे 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 बहुत हाई लेवल पे हो जाएगा। देखिए आप ब्रिटेन यूएसए ये सब के बाद हम लोग आ जाते हैं हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, पाकिस्तान जो इंडिया का जो चंद्रयान मिशन है उसके ऊपर क्या बोला, पाकिस्तान से दो वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। एक जो वीडियो है वहां पे बोल रहा था कि जो चंद्रयान मिशन है वो फेक है, वो ग्राफिक्स के थ्रू एडिट किया गया है, मतलब जो चीज ब्रिटेन बोल रहा है वही चीज पाकिस्तान बोल रहा है, मतलब दोनों का जो आईक्यू लेवल है ब्रेन है वो एकदम सेम है। आप इसको देख लीजिए, एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में, ये रियलिस्टिक खबर नहीं है ये सर, लाइव दिखाया गया है सर, लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं एडिट कर सकते हैं ठीक हो गया आपको, इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में ठीक है, अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए, अल्लाह नोज दैट। Now, second जो वीडियो है, second वीडियो एक थोड़ा कॉमेडी टाइप का है, तो वो लोग बोल रहा है कि इंडिया इतना पैसा खर्च करके चंद्रयान मतलब चांद में जा रहा है, चांद में ना गैस इलेक्ट्रिसिटी है ना वाटर है ना गैस है कुछ नहीं है, और सेम थिंग पाकिस्तान आ जाता वो बहुत कम पैसा में हो जाता, पाकिस्तान में भी सेम ना गैस है ना इलेक्ट्रिसिटी है ना पीने का पानी है, तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं आपको नहीं पता, नहीं मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे, चांद पे पानी है, पानी नहीं है, हाँ तो इधर भी नहीं है, वहाँ पे गैस है नहीं गैस, इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। इसके बाद हम लोग आ गए थे जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी ऐसे चंद्रयान 3 जो मिशन था उसके ऊपर बोल रहा था, बट अचानक से पता नहीं कैसे वो लोग बोल दिया राकेश रोशन, ठीक है। अब मतलब बोलो हर कोई हंस रहा है, हर कोई सोच रहा है यार मतलब एक स्पेस मिशन है ठीक है, स्पेस मिशन से राकेश रोशन का क्या रिलेशन है, राकेश रोशन का हो सकता है कि बॉलीवुड से रिलेशन मतलब रिलेशन हो सकता है, लेकिन स्पेस मिशन में राकेश रोशन का क्या रिलेशन हो सकता है। अच्छा और एक चीज आपके मतलब सुविधा के लिए मैं बोलना चाहूंगा, ये जो ममता बनर्जी जो स्पीच दिया है ना वो स्पीच उस टाइम पे दिया है जहां पे वो इमाम को 500 रुपीज ऐसा बोल रहा था कि जितना भी इमाम है वेस्ट बंगाल में उनको 500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और ये जो जितना दुर्गा पूजा हुआ ना ये अक्टूबर में पूजा बंगाल में, तो अक्टूबर में पहले साल पिछले साल मिला था 50,000 मतलब जितना भी उसको 50,000 पहले मिला था, ठीक है। अब वो पैसा मिलेगा 50,000 से वो 20,000 इंक्रीज कर दिया, अब उन लोगों का हर किसी को मिलेगा 70,000 इतना पैसा मिल जाएगा, और इसी टाइम पे उन्होंने ये राकेश रोशन का बोल दिया था। हमारे मन आछे चाँदेर माटीते जखन तारा पहुंचेछिलेन इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेछिलेन राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है मौका से इंडिया को। इसके बाद एक वीडियो क्लिपिंग बहुत वायरल हो रहा था, वो हो रहा था चंद्रयान 3 लॉन्च होने से पहले, मतलब उस टाइम में चंद्रयान 3 का मतलब सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हुआ था, उससे पहले सोशल मीडिया में क्लिपिंग वायरल हो रहा था। उस टाइम पे एक जर्नलिस्ट था वो इंडिया का था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड था, वो पाकिस्तान को ट्रोल कर रहा है, वो बोल रहा है कि तुम्हारा सिर्फ तुमने सब पास से चांद देखा लेकिन इंडिया ने पूरा वो चांद पे पहुंच गया है। इसका पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हैरान चंद्रयान 3 से भेजी जा रही पिक्चर्स को देखकर है, क्योंकि उन्होंने चांद को सिर्फ अपने झंडे पर देखा, त्योहारों में देखा, पोएट्री में चांद की खूबसूरती के बारे में सुना, लेकिन चांद की ऐसी तस्वीरें उन्हें सिर्फ इंडिया ही दिखा रहा है।
इसके बाद आ जाते हैं कि एक कोई खालिस्तानी था जितना मुझे याद है, ये बहुत लोग बोल रहा था कि वो सिख है, बट मुझे लगता नहीं कि वो सिख है, वो खालिस्तानी है, वो इंडिया में नहीं रहता है, वो बाहर रहता है। वो ये बोल रहा है कि चांद पे आप पैर रख ही नहीं सकते, ठीक है, जितना भी वीडियो है ये सब फेक है, सब क्रिप्टेड है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, जा रहा है, और चांद पे आप पैर क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, आप वहां पे मतलब पैर नहीं रख सकते, इसकी वजह से वो पॉसिबल है नहीं चांद पे लैंड करना। ये उन्होंने बोला, चंद्रमा कोई धरती नहीं है या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिथे लैंड किया जा सकता है। चंद्रमा ते सूरज लाइट दे सोर्स ने, दीपक ने दीपक, चिराग ने चिराग। हुन लैंप दे उत्ते है, लाइट दे उत्ते कोई लैंड कर सकता है की? कोई लैंड थोड़ी कर सकता है। लाइट दे उत्ते पैर नहीं रख सकते तुसी, वो लाइट ने, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू गुरबाणी चंद्रमा ते कोई पैर रखन नहीं जा सकता या कोई लैंड नहीं कर सकता स्पेसशिप दे नाल, दैट इज नॉट पॉसिबल। हुन तुसी कहोगे की फिर इन्होंने किदा कर लिया, व्हाट दैट वाज फेक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करके थोड़े से पैसे देके मैं भी जाके तो चंद्रमा से अपनी वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम में आपको पता है एक फेमस पर्सनालिटीज है, वो ये हाथ मार देखता था, ठीक है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, आपको यहाँ पे मैं पिक्चर ऐड करूंगा, उनको आपको वो पता चल जाएगा। उन्होंने हेलो मून बोल दिया, वो हेलो मून बोलने का आप तरीका एक बार देख सोचेंगे ना, अच्छा भाई ये जो टॉपिक है ये है स्पेस मिशन के ऊपर, चंद्रयान 3 के ऊपर, ठीक है, अदरवाइज मैं सच में इसके ये जो पिक्चर है ना यहाँ पे, इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि ट्विटर पे, ठीक है, इंस्टाग्राम के बाद जस्ट ट्विटर, ट्विटर पे बहुत लोग क्या किया है कि वो मतलब चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, अब वो लिखने के बाद उन्होंने बोल दिया कि आप इसको लाइक करेंगे एंड कमेंट करेंगे ना, आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 2500 रुपए ऐसा मिलता रहेगा। अब हमारा मुझे ऐसा कोई कर लेगा तो ये जो कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट आराम से खत्म हो जाएगा। और जितना भी ये सब पोस्ट है, पोस्ट में आप देखिएगा इसका जो इंप्रेशन आया है कितना, मतलब बहुत अच्छा इंप्रेशन आया है। अब हो सकता है कि बोलो पैसा देगा कि नहीं देगा, मुझे आई डोंट नो, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट हटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बस घर में बैठे रहो, बैठ के सिर्फ एक लाइक कर दो और कमेंट कुछ भी लिख दो, ये हो गया। ट्विटर में लाइक कमेंट से हटके मुझे एक सलमान बोई मिला था, अब वो सलमान भाई बोई बोल रहा है कि मान लीजिए चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो गया तो मैं अपना जो गर्लफ्रेंड है ना उसको मैं प्रपोज कर दूंगा। अब सोच नहीं सकते कि आप ये जो दुनिया कहां पे है, आपको सच में लगता है कि मैं ये दुनिया छोड़ के चंद्रयान मतलब चांद पे जाके एक घर बना लूं। इट इज थिंग, लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टू द एंड, आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय। India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon after the US and China and the former Soviet Union. Just moments ago, we're talking just a... India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. The country's PM Narendra Modi has praised the achievement, saying that the mission's success... The spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. A moment of history for the country. It was a tense final 6 minutes as it descended onto the lunar surface. Let's show you the moment. First of all, let's take this agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan 3 spacecraft. Okay, now India's lunar probe Chandrayaan 3 has landed on the moon's south pole. India is the first country to touch down on this part of the moon, which is believed to hold pockets. We begin with some historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. Prime Minister Narendra Modi was watching the mission from South Africa and congratulated the team back home.